मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित स्पीक्स के साथ एक दफ़े पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ और मैं अपने सभी श्रोताओं का, अपने सभी दर्शकों का अपने इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने भक्ति श्रृंखला नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, इसमें हम श्रीमद् भागवत की कथा को सुना रहे हैं आपको और आज इसका जो है छठा भाग है। छठे भाग में से पहले आप सुन चुके हैं कि इस प्रकार से नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए स्थान चुना और भगवान कृष्ण ने उनको किस तरह से बताया कि मैं भागवत कथा के रूप में, भागवत पुस्तक के रूप में, भागवत कथा के रूप में मैं अपने भक्तों के लिए इस दुनिया में सदैव विद्यमान रहूँगा। इसके आगे की कथा का हम अपना आपको सुनाना शुरू करें, इसके पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को, जो हमारा वीडियो है, अगर आपको पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, उनको दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को भेज दें। ये उसके नीचे एक बटन आता है शेयर का, जिसमें तीर जैसा ऊपर की तरफ बना होता है, उसमें जिसको भी आप चाहेंगे उसके नाम के आगे टिक कर देंगे तो वो उसको मिल जाएगा। और अपने कमेंट से हमको ज़रूर अवगत कराएं। तो और इस कोरोना नामक बीमारी की पीरियड में अपने को सुरक्षित रखें, क्योंकि यह भी गया नहीं है, इसका नया वेरिएंट तैयार बैठा हुआ है आने के लिए, तो हम सभी लोगों को सतर्क रहना है। इसके अलावा हम एक बात और बता दें कि हम लोग कंसल्टेंसी की भी सर्विसेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप लेबर तथा एचआर से संबंधित विषयों के विषय में हमसे आप मुफ्त सलाह ले सकते हैं। तो हम आगे की कथा शुरू करते हैं। तो हरिद्वार में जिस स्थान के ऊपर ये भागवत की कथा का विधान रखा गया था, वहाँ पर सनकादि मुनि ने अपनी वार्ता शुरू की, अपनी कथा सुनानी शुरू की। तो उन्होंने बताया कि सनकादि मुनि ने बताया कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन थी, दौलत थी और वो बहुत ही नम्र और विनयी था, बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। लेकिन उसकी पत्नी भी अति सुंदर थी, लेकिन वो क्या थी, बहुत बातें करने वाली थी, दूसरों की इधर से उधर थी, कुटिल थी और लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और बहुत ही कृपण थी और दान दक्षिणा में उसका कोई भी रुचि नहीं रहती थी। उसके प्रकार सब कुछ होने के बाद भी उसके से कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो उसने व्रत किए, ये किया, वो किया, दान किया, दक्षिणा किया, ब्राह्मणों को खिलाया, लेकिन कोई उसके संतान नहीं पैदा हुई। जब संतान नहीं पैदा हुई, इसी बीच जो था वो इसकी चिंता में, संतान की चिंता में जो ब्राह्मण था जिसका नाम आत्मदेव था, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया और एक दिन घर से वो निराश होकर के अपने निकल पड़ा कि मैं जा करके मर जाऊँगा। तो वो रास्ते में जा रहा था, रास्ते में क्या जंगल में जा रहा था, जंगल में जाते हुए एक जगह उसको प्यास लगी तो एक तालाब था, उसके किनारे बैठ करके पानी पिया और सुस्त आने लगा। उसी समय वहाँ पर एक सन्यासी आया, सन्यासी ने भी वहाँ पर आप पानी पिया और विश्राम करने लगे। जब उसने देखा कि स्वामी जी स्नान करने लगे हैं तो वो ब्राह्मण आत्मदेव उनके पास गया, उनके पैरों पर झुक करके उनको प्रणाम किया। तो स्वामी जी बोले कि तुम देखने में तो ब्राह्मण लगते हो, किसी अच्छे परिवार के लगते हो, लेकिन तुम्हारी जीर्ण शीर्ण काया को देख करके लगता है कि कोई तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई हुई है, तुम किस बात से चिंतित हो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी चिंता का निवारण कर सकूँ। तो उसने बताया कि मैं अत्यंत धनवान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरी पत्नी अत्यंत खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं है। तो स्वामी जी ने उसके ललाट की तरफ देखा और बोले कि ऐसा है कि तू, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, इसलिए तुमको 7 जन्म तुम लोगे, तब तक तुमको 7 जन्मों तक तुमको कोई भी संतान प्राप्त नहीं होगी, तुम कुछ भी उपाय कर डालोगे नहीं होगी। तो उसने स्वामी जी से कहा कि नहीं स्वामी जी, कोई तो रास्ता बताइए। स्वामी जी ने कहा, देखिए विधि का जो विधान है वो तो, उसको तो कोई टाल नहीं सकता है, अगर आप उसके विरुद्ध कोई काम करते हैं तो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। इस तरह से अगर आप कोई पुत्र प्राप्त भी कर लेंगे तो वो हो सकता है कि वो कुपुत्र निकल जाए। तो इस तरह से विधाता के निर्णय को आप स्वीकार कीजिए, उसने जो लिख रखा है उसको स्वीकार कीजिए, अब तुम्हारी उम्र सन्यास की आ गई है, अब तुम सन्यास लो, सन्यासी के रूप में आनंद प्राप्त करो,
भगवत भजन करके तुम अपने आनंद को प्राप्त करो। तो लेकिन ब्राह्मण नहीं माना, वो फिर से उनके पैरों पर पड़ गया और बोला कि नहीं नहीं महाराज, कुछ ना कुछ तो मेरे लिए कीजिए। वो स्वामी जी सोचने लगे कि ये ब्राह्मण है और बहुत ही व्यथित है और परेशान है और मुझसे मदद मांग रहा है, तो ठीक है, जो ईश्वर ने किया है अगर उसका कुछ पाप मुझे लगेगा, मैं उसके काम में दखलंदाजी कर रहा हूँ, तो मैं ही कुछ जो है अब करता हूँ। तो उन्होंने उससे ये कहा कि उसको एक फल दिया और कहा ये ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना और उससे कहना कि एक वर्ष तक वो शुद्ध रूप से स्नान आदि करके भगवान का पूजन करे, दान करे और एक वक्त अन्न का ग्रहण करे और सत्कार्य करे, तो तुमको एक शुद्ध पुत्र प्राप्त होगा, एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसके कि कर्म अच्छे होंगे। और उसके बाद वो स्वामी जी चले गए। इसके बाद यहाँ तक कथा पहुँची तो नारद जी ने सनकादि मुनि से पूछा कि भगवान ये बताइए कि इस कथा को सुनने से किसको किसको लाभ हो सकता है। तो सनकादि मुनि ने कहा कि देखिए, इसमें ये कथा ऐसी है जिसको इस पृथ्वी पर रहने वाला जो भी व्यक्ति है, कुटिल से कुटिल हो, दुष्ट से दुष्ट हो, प्रेतात्मा हो, भूत आत्मा हो, जो कि कई जन्मों से जिसको मुक्ति न मिली हो, इसको सुनने से सभी को, सभी लोग मुक्त हो जाते हैं। इससे जो है सभी लोग इससे मुक्त हो जाते हैं। इस कथा को सुनने के बाद इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। उन्होंने कहा एक तरह से जितने भी लोग हैं जो पर स्त्री गमन करते हैं, लूटपाट करते हैं, डकैती डालते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, इसका अगर वो 7 दिन तक श्रवण करते हैं तो उनकी बुद्धि जो है मति बदल जाती है और बराबर श्रवण करने से या पढ़ने से इसको उनकी मति ठीक रहती है और वो सत्कर्म करते हुए मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो इसके ऊपर नारद जी ने कहा ठीक है। तो जब ये सब बातें सुनी तो लोग वहाँ पे जो लोग थे सब अति प्रसन्न हुए कि हम सभी लोगों को अब तो मुक्ति मिलने वाली है, तो वो भगवान का जोर जोर से जय घोष करने लगे। तो ये ऊपर बैठे हुए जब ईश्वर ने ये देखा, भगवान विष्णु ने इस दृश्य को देखा, तो वहाँ पर वो स्वयं कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। सिर के ऊपर मुकुट में मोर का पंख लगाए हुए, कानों में कुंडल पहने हुए, गले में पीतांबर माला और पीत वस्त्र पहने हुए, वो सबके सामने लोगों ने वहाँ पे अप्रतिम दर्शन किए उनके। और वो उसके बाद उसी भागवत कथा में दोबारा से भागवत की जो पुस्तक थी जिसको देख करके सनकादि मुनि पढ़ रहे थे, उसमें वो फिर से समाधिस्थ उसी के अंदर चले गए। तो इससे ये प्रमाणित हो गया वहाँ पर कि भगवान इस पुस्तक के अंदर मौजूद हैं। इस पुस्तक को जो प्रेम से पढ़ेगा, भगवान को साक्षी मान करके, उसको वो अवश्य लाभ पहुँचाएंगे। इसके बाद भगवान का बहुत ज़ोर ज़ोर से लोग जय जयकारा करने लगे, लोग प्रसन्न हो गए, अति प्रसन्न हुए, घंटे घड़ियाल बजने लगे, पूजा होने लगी। और अब इसके आगे की जो कथा है कि जो अभी जो ब्राह्मण देव की कथा तो बीच में रह गई, अभी सनकादि मुनि को नारद जी ने बीच में टोक दिया और बीच में फिर भगवान के दर्शन भी हो गए लोगों को, इस पर जो थे आत्मदेव की कथा यहाँ पर रुक गई। अब आत्मदेव को पुत्र हुआ या नहीं हुआ, इसकी कथा हम लोग जो हैं कल अब इसके ऊपर करेंगे या जो भी अपना अगला वीडियो आएगा हम उसमें आपको ये बताएंगे कि आत्मदेव को पुत्र प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो कैसा हुआ और नहीं हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इस समय का जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और हमारे वीडियो चैनल का भी ध्यान रखिएगा। इसको भी सब्सक्राइब करवाइएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों दोस्तों सबको ये आपकी ये लिंक प्रेषित कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको खोलेंगे YouTube के ऊपर, तो उसमें नीचे शेयर लिखा होता है और वहाँ पर एक तीर बना हुआ था, टेढ़ा सा होता है, जब आप उसको पुश करेंगे तो वहाँ पर आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे व्हाट्सएप पर, वहाँ से आप ये किसी को भी प्रेषित कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार, फिर मिलेंगे और आपको आगे की कथा का श्रवण कराएंगे।